मैं हूँ इसमें बिहार में, बिहार का सीमांचल इलाका है जहाँ पे बिहार का सबसे ज़्यादा मक्का होता है। मक्का दुनिया की वो फसल है जो कि उन चार फसलों में शामिल है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। इसे मनुष्य खाते हैं, इसे पशु खाते हैं, इसे मुर्गियों का दाना बनता है, इसे जो गाय भैंस को दिया जाता है, इसे सुअर का भी जो सूकर होते हैं उनके लिए बनता है। यानी कि कम से कम एक पूरी जो इकोनॉमी है वो मक्के के आसपास रहती है। जो सीमांचल में जो पूर्णिया अररिया और ये जो इलाके हैं यहाँ पे बम्पर मक्के का उत्पादन होता है। अभी आप इस समय अगर आप इधर किस इलाके में आए तो आपको लगेगा कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे सिर्फ मक्का ही मक्का आपको नज़र आएगा। ये मक्का इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसी के आसपास यहाँ की जो है घर चलते हैं और यहाँ पे काम होता है। मिथिलेश, आपने अभी मक्के में कई सारे अपने स्टोरी की थी हमारे, जब आप लखनऊ में थे, जब आप दिल्ली गए, जब आप मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा गए थे, वहाँ मक्का महोत्सव हुआ था। मक्का क्या है, मक्के की इकोनॉमिक्स क्या कहती है भारत के संदर्भ में? छिंदवाड़ा में जब मैं गया था तो आप लोग बता दूँ कि छिंदवाड़ा में देश का पहला मक्का महोत्सव था और पिछले साल ही मनाया गया। और वो महोत्सव मनाया क्यों गया, उसका उद्देश्य ही यही था कि मक्के को अभी ऐसा कहा जाता है कि ये जानवरों को खिलाया जाता है या मक्के का आटा बनता है जिसकी रोटी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मक्के के और बहुत सारे उपयोग हैं। जब हम पूर्णिया आए, बिहार का जो इलाका है, सीमांचल का जिला है पूर्णिया, जो मक्के की खेती के लिए प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है और बिहार में तो सब ज़्यादा पैदा होता ही है, देश में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है जिले का। यहाँ के लोगों से जो हमने पूछा, किसानों से पूछा कि मक्का आप लोग क्या करते हैं और मक्के का होता क्या है, तो उनको बस एक ही जवाब पता था कि थोड़ा बहुत मक्का खाया जाता है या तो ये जानवर खाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि मक्का यहाँ MSP में मक्की खरीद नहीं होती है, यहाँ बिहार में मंडियाँ बहुत कम है, यहाँ 800 रुपये 900 रुपये कुंतल में जो है 100 किलो किसान जो है बेच रहे हैं, उससे उनका नुकसान तो हो ही रहा है। इससे एक बड़ा फैक्टर ये भी दिखा कि जो मतलब जो जिस तरह नाम पूर्णिया का होना चाहिए था, सीमांचल होना चाहिए था मक्के की खेती को लेकर, वो इसलिए नहीं हो पाए कि यहाँ की इकोनॉमी उसके अनुरूप नहीं डल पाई, किसानों को नुकसान हो रहा है और इसका दूसरा उपयोग नहीं हो पा रहा है ज़िले में, बाहर के लोग इसी यहीं से मक्का खरीद के लेकर जा रहे हैं और अच्छी कीमतों में बेच रहे हैं। चार एकड़ मक्का लगाए और मक्का की खेती में मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपया एकड़ खर्च आता है, तो इसका बिक्री का कोई मार्केट नहीं है, लोकल से व्यापारी से हम लोग बेचते हैं, उस टाइम में 800-900 रुपया खरीद होता है और ना तो सरकार की तरफ से कोई खेती के बारे में जानकारी मिलती है ढंग से, हम लोग जो भी कहते हैं अपने ज्ञान के आधार पर कहते हैं। मंडी हमारे यहाँ नहीं है, एक गुलाबाग मार्केट है पूर्णिया में जी, और वहाँ भी सरकार की तरफ से कोई खरीद व्यवस्था नहीं है, वह लोकल व्यापारी खरीदते हैं और उनकी जो मर्जी हुई उस रेट पर खरीदते हैं ना, इस तरह का कोई हम लोग को मतलब ये बता ही नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी बता ही नहीं रहा जो कि इसको छोड़ के आप दूसरा ये कीजिए, फसल कीजिए जिससे कि अच्छी आमदनी हो। ये नवंबर में लगाते हैं हम लोग और अप्रैल मई में जाके कटते हैं। मक्का का आधारित उद्योग भी लगा दिया जाए तो फिर यहाँ के किसानों को फायदा है, उससे अच्छी रेट में बिकेगी या सरकार की तरफ से खरीद होगी तो अच्छा रेट मिलेगा किसानों को, लेकिन ऐसी कोई सुविधा है नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार की तरफ से घोषित है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है, यहाँ 1750 रुपये न्यूनतम मूल्य है सरकार की तरफ से मक्का का और मक्का किसान बेच रहा है 800-900 रुपये में, हर क्विंटल पर घाटा, हाफ दाम पर बेचना पड़ रहा है। बिहार में कोई किसान नेता है ही नहीं, किसान का संगठन ही नहीं है बिहार में।
सर्वे करके किसान का देखा जाता है, कहीं एक जगह जाके वह फर्स्ट 10 किसान का कर लिया निकल गया। बचत तो सर इसमें नहीं है, लेकिन जितना तक के फसल में जो है फसल जो ढंग का उपजना होना चाहिए उस ढंग का मतलब नहीं होता है, पानी वगैरह हर चीज़ का थोड़ा अति दिक्कत में है। हम पांच भाई हैं, पांच भाई में 5 एकड़ जमीन है और सिर्फ खेती ही आमदनी है और कुछ नहीं।